वेलकम टू किचन फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, हम जब भी ट्रेडिशनल रिवायती खाने बनाते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक मसाला जात इस्तेमाल होते हैं, जैसे हलीम हो गई, नहारी हो गई, पाए हो गए, बिरयानी हो गई। हमारे बहुत सी ऐसी ट्रेडिशनल डिशेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, और स्पेसिफिक ये डिशेस खाने के लिए हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं। अब ये डिशेस बनाने के लिए स्पेसिफिक जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो घर में भी बनाए जा सकते हैं, और अब तो ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है कि बहुत से ब्रांड्स हैं जिन्हें जो ये मसाले बनाकर प्रिजर्व फॉर्म में बेचते हैं और हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आप मुझसे अग्री करेंगे कि जो चीज़ घर में बनाई जाती है उसका मज़ा ही अलग होता है, मज़ा ही दुबाला होता है, और उसकी फ्रेशनेस की अपनी ही एक बात होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना व्यूअर्स, आप लोगों से ये जो रिवायती खानों के मसाले हैं वो घर पे कैसे तैयार किए जाएं, वो रेसिपीज आपसे शेयर की जाएं। तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक रेसिपी चूज़ की है वो नहारी मसाला घर में बनाने का तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत आसान है, सारी चीज़ें, सारे जो मसाले हैं आपको आराम से अवेलेबल होते हैं, जनरल स्टोर पे भी मिल जाएंगे, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएंगे, फ्रेश मिलेंगे। फ्रेश मसाले बनाएं और फ्रेश घर में खाने बनाएं तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट में डिफरेंस भी महसूस होगा। जो आपके खाने हैं जो आप घर में बनाएंगी ये रिवायती, उनका मज़ा दुबाला हो जाएगा, बहुत तारीफ़ें आपको मिलेंगी। तो अब मैं इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं निहारी मसाले में जो इस्तेमाल होंगे वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप पेन पेपर लेके बैठ जाएं, बहुत एहतियात से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स नोट करने हैं ताकि कोई इंग्रेडिएंट मिस ना हो। वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ ये मसाला बनाने में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लेकिन अगेन, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बार में पूछ भी सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। जी व्यूअर्स, 3 टेबल स्पून ये साबुत सूखा धनिया आपने लेना है। साबुत सूखे धनिया की जो डंडियां हैं वो आपने अलग कर लेनी है, अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। 1/2 टेबल स्पून आपने सौंफ लेना है। सौंफ भी आप देख लीजिएगा, अगर बीच में कोई कंकर शंकर हो वो आपने निकाल देना है और बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। लौंग लेंगे हम 8 से 10 अदद, साबुत हैं। काली मिर्च साबुत ये हमने तकरीबन लेनी है 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून में जितनी ये साबुत काली मिर्चें आएंगी ना, ये आपने इस्तेमाल करने हैं। ये तेज़पात हैं, तेज़पात हमने 8 से 10 अदद लेने हैं। ये पिपली है, ये देख लें कि ये पिपली किस तरह की होती है। ये डंडी नुमा पिपली होती है, आराम से अवेलेबल होती है, आपको मिल जाएगी। आपने ये 2 अदद इस्तेमाल करनी है, निहारी की जान है ये पिपली। और जो 1-2 मसाले जिनके बगैर निहारी मसाला कंप्लीट नहीं होता वो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। दार चीनी भी आपने 1/2 टेबल स्पून लेनी है। ये दार चीनी जो हम सिनामन जिसको कहते हैं, ये भी आराम से अवेलेबल है, ये 1/2 टेबल स्पून आपने लेनी है। बादियान के फूल 3 से 4 अदद लेने हैं। ये तकरीबन हर मसाले में बादियान के फूल, और साबुत भी ये बहुत से स्पेशली राइस में ये बादियान के फूल इस्तेमाल होते हैं, ये आपने लेने हैं 3 से 4 अदद। ये कचरी पाउडर है मेरे पास 2 टेबल स्पून। बड़ी इलायची है 3 अदद, ये देख लें बड़ी इलायची। ये जायफल है 2 अदद आपने लेने हैं। जायफल में मैं बता दूं कि इसको ऊपर से छिलका उतार के अंदर से आपने जो इसका गूदा होगा वो आपने इस्तेमाल करना है, छिलका आपने फेंक देना है, इसका छिलका इस्तेमाल नहीं होता। ये जावित्री है, ये 2-3 अदद आपने लेनी है। सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है 1 टेबल स्पून। तबाशीर आपने लेना है तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये तबाशीर है, तबाशीर मैं आपको बता दूं, ये देखें ये 2 टेबल स्पून होगी, वाइट कलर का होता है। ये तेज़ाबियत और जलन जो मैदे में होती है उसको ख़त्म करने के काम आता है, तो ये तबाशीर बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है जो ट्रेडिशनल खाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत जलन कर लेते हैं, तो ये जो तबाशीर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हाजमे के लिए, जलन कंट्रोल करने के
के लिए। ये सोडियम बेंजोवेट है। सोडियम बेंजोवेट जो है चीज़ें मसाले प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो है हम मसाला बनाएंगे ये तकरीबन आप एक साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एयरटाइट जार में इसको डाल के रखेंगे, साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेंजोवेट, सोडियम बेंजोवेट तकरीबन एक चुटकी आपने लेना है, एक चुटकी से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ये जस्ट प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होगा। 7 से 8 छोटी इलायचियाँ हैं वो हम लेंगे। देगी मिर्च हैं ये भी 7 से 8 अदद हम लेंगे। नमक हम लेंगे 1 टीस्पून। हल्दी हम लेंगे 1/2 टीस्पून। सुर्ख कुटी हुई मिर्च पाउडर जो है 1 टेबलस्पून। अब मैं आपको बताऊँ, नमक हम ज़्यादा नहीं ले रहे, हल्दी हम ज़्यादा नहीं ले रहे, वो इसलिए कि नमक जब हम निहारी बनाएंगे तो तब बराबर होगा। अब हम चलेंगे इन मसालों की पिसाई की तरफ कि अब हमने ये मसाले अच्छे से पीसने हैं। तो चलते हैं, मशीन वगैरह फिक्स करते हैं और इसको पीसना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, मसाला कूटना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले 3 टेबलस्पून जो हमने जो साबुत सूखा धनिया था वो लिया है, वो इसमें हम डालते हैं। और साथ ही साथ जो हमने सौंफ लिया था 1/2 टेबलस्पून वो हम इसमें डालेंगे। 8 से 10 अदद जो हमने लौंग लिए थे वो डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च जो साबुत है वो हम इसमें डालेंगे। दालचीनी या सिनामन ये भी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून। बादियान के फूल हैं 3 से 4 अदद, हम ये इसमें ऐड करेंगे। बड़ी इलायची जो 3 अदद है ये इसमें ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हम इन्हें अच्छे तरीके से पीस लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये उस वक्त तक आपने पीसना है जब तक ये पाउडर फॉर्म ना हो जाए। हमें बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म चाहिए। अब इसमें जो 2 टेबलस्पून जावित्री थे हम ये इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जो सफेद जीरा हमने लिया था वो ऐड करेंगे। ये 2 पिपली जो हमने लिए थे ये ऐड करेंगे। 8 से 10 अदर दाने जो हमने लिए थे बड़ी इलायची के वो ऐड करेंगे। और अब एक दफ़ा फिर हमने ये मशीन चलानी है ताकि ये पाउडर फॉर्म में हो जाए। अगेन हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म चाहिए, इसलिए मशीन आप उस वक्त तक चलाएंगे जब तक आपको पाउडर फॉर्म मिल नहीं जाता। अब ये जो तेज़पात हैं ये हम इसमें डालेंगे। जायफल को हमने ये तोड़ना है, ये देखिए इस फॉर्म में ये निकलेंगे। ये हमने ऐड की है तबाशीर जो हमने 2 टेबलस्पून रखे थे ये ऐड किए। मशीन चलानी है जब तक कि आपको पाउडर फॉर्म मिल नहीं जाता। जी व्यूअर्स, अब इसमें सोडियम बेंजोवेट जो मैंने बोला था वो ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, रेड पेपर पाउडर जो हमने लिया था वो ऐड करेंगे। अब दोबारा से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जी व्यूअर, जितना मसाला अब हमारा हो गया है, पिस गया है, वो मसाला अब हम छानेंगे, ठीक है। ये देगी मिर्च, ये मैंने जो लास्ट हमारा वो आइटम रह गया था ऐड करना, देगी मिर्च भी अब मैंने ऐड कर दी है। देगी मिर्च मैं बताती चलूँ कि सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए होती है, इसका एज सच इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, लेकिन इसका जो कलर है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। अब फिर से छानने का प्रोसीजर होगा। अच्छे से छानना है आपने इस मसाले को।
तिहारी मसाला घर में तैयार है और आपको ये मैं बता दूं कि ये मसाला आप 6 महीने से छोड़ साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर टाइट जार मैंने भी लिया है, आपने भी एयर टाइट जार लेना है। एयर टाइट जार में आपने ज़बरदस्त तरीके से इसको प्रिजर्व करके रखना है और मज़े से पूरा साल इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसकी क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 kg चिकन ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, बीफ ले रहे हैं और निहारी बना रहे हैं ना, तो 2 tablespoon, 2 से 2.5 tablespoon आपने इसके इस्तेमाल करने हैं निहारी मसाले के। अगर आप मसाला हल्का इस्तेमाल करते हैं तो 1.5 tablespoon लाजमी ऐड कीजिएगा। नमक आपने लाजमी चखना है हंडिया के एंड में के नमक बराबर होना चाहिए। हमने थोड़ी क्वांटिटी नमक इस्तेमाल की है इस मसाले में, लेकिन आई बेट के आपको ये मसाला जब आप बनाएंगे घर में और फिर इस मसाले से निहारी जब आप बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और घर वालों से ढेर सारी तारीफें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता चल जाएगा कि घर में बनी हुई चीज़ ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो मुझे यकीन है कि आप ये घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे लाजमी अपना फीडबैक भी बताइएगा कि कैसा बना। और बहुत जल्द मैं निहारी की रेसिपी भी लेकर आ रही हूँ आपके पास, वो भी आप लाजमी देखिएगा। वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें। अगर पसंद आ गई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि जल्द अज जल्द निहारी मसाले जैसे और भी कई मसाला जार जो कि इस्तेमाल होते हैं घरों में मैं आपको बनाना सिखाऊं। तब तक आपने ख्याल रखना है अपना, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।